के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का विपरीत पतिंगरा साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इसमें 1.25 लाख से लेकर 5 लाख मंत्र तक का अनुष्ठान होगा। अगर आप शत्रु, कर्ज, बीमारी या तंत्र बाधा से बेहद बेहद परेशान हैं तो सुरक्षा के लिए यह साधना आपके लिए अत्यंत जरूरी है। इस रोमांचक साधना को अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार, मुंबई के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या UPI से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमस्कार, दिव्य योग आसन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम महाकाल भैरव की चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि महाकाल भैरव का हम अपने जीवन में किस तरीके से लाभ प्राप्त कर सकते हैं, उनकी कैसे कृपा प्राप्त कर सकते हैं, इस बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप माता महाकाली के उपासक हैं, माता काली के जो स्वरूप हैं उनके उपासक हैं, तो आपके लिए महाकाल भैरव की साधना करना अनिवार्य है। महाकाल भैरव की साधना के बाद ही महाकाली या उनके जितने भी स्वरूप हैं वो प्रसन्न होते हैं। उनमें अगर सिद्धि पाना है, उनमें माता की कृपा पानी है, तो महाकाल भैरव की साधना करनी आपके लिए सबसे पहले नंबर पर जरूरी है। महाकाल भैरव की अगर साधना करते हैं तो हमें जो बहुत लाभ मिलता है, पहला लाभ तो यही मिलता है कि हर तरीके का ज्ञान प्राप्त होता है, चाहे वो साधारण ज्ञान हो या गुप्त ज्ञान हो या गूढ़ ज्ञान हो, किसी भी तरीके का ज्ञान हो वो प्राप्त होता है। धन की प्राप्ति होती है, धन आकर्षित होता है, उससे आपको लाभ मिलता है। आप किसी पोस्ट पर, किसी पद पर पहुंचना चाहते हैं, आप किसी पोस्ट पर या किसी पद पर पहुंचना चाहते हैं तो आपको लाभ मिलता है। आपने सपने में, आपने सपना देखा है एक ऊंची पोस्ट का, ऊंचे पद पर पहुंचने का सपना देखा है, तो ये साधना महाकाल भैरव की आपके लिए बहुत जरूरी है। किसी भी तरह का विवाद में आपको सफलता पानी है तो आपके लिए ये बहुत फायदेमंद है, क्योंकि इनकी साधना में आकर्षण शक्ति बहुत बढ़ती है। इसलिए समाज में हर क्षेत्र में आप जाते हैं, आपको महसूस होगा कि लोग आपको ध्यान से देख रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं, आपकी बातों को अहमियत देते हैं, इस तरीके से आपको महसूस होगा। यही कारण है कि महाकाल भैरव के जो उपासक होते हैं, काली माता के जितने भी स्वरूप हैं, जैसे महाकाली, गुहा काली, शमशान काली, जितने भी स्वरूप हैं, सभी की कृपा आपके ऊपर हो जाती है। तो ये साधना उन लोगों के लिए कंपलसरी है, जरूरी है, जो माता काली के उपासक हैं। और नहीं भी हैं तो महाकाल का जो भैरव के जो उपासक, जो महाकाल भैरव के उपासक होते हैं, उनके जीवन में ज्ञान की प्राप्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है, धन की प्राप्ति होती है, आकर्षण शक्ति बढ़ती है, वाद विवाद में सफलता प्राप्त करते हैं, यानी वो हर क्षेत्र में विजयी माने जाते हैं। याद रखें, महाकाली की कृपा पाने के लिए भगवान महाकाल भैरव की उपासना आपके लिए बहुत 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 जरूरी है। आप जानते हैं इनका अभ्यास कैसे करें। ढीले ढाले वस्त्र पहन के किसी भी शांत कमरे में बैठ जाएं। अगर आप जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो किसी कुर्सी पर या सोफे पर शांत होकर बैठ जाएं। सामने काला कपड़ा बिछा लें, उसके ऊपर माता काली की फोटो या मूर्ति आप रख लें। अब दोनों आंखों के बीच में ध्यान देते हुए 10 बार सामान्य प्राणायाम यानी रोक लें, जितनी देर हो सके रोक कर रखें, धीरे से छोड़ें। इस तरीके से 10 बार सामान्य प्राणायाम करें और सामान्य प्राणायाम करने के बाद महाकाल भैरव मंत्र, ओम ह्रौं महाकाल भैरवाय क्रीम कालिके फट, ओम ह्रौं महाकाल भैरवाय क्रीम कालिके फट, ओम ह्रौं महाकाल भैरवाय क्रीम कालिके फट। इस मंत्र का उपांशु जाप करें, यानी धीमी आवाज में जाप करें, यानी आपकी आवाज आपके कमरे से बाहर जाने न पाए। इस तरीके से इस मंत्र का जाप करें। यह मंत्र आपको 11 माला 21 दिन तक जाप करना है और 22वें दिन किसी को फल या भोजन का आप दान कर दें।
पैसे दान करें, पैसे दान करना है तो किसी मंदिर की दान पेटी में आप दान करें। कुंवारी कन्या को आप भोजन करा सकते हैं। इस मंत्र को किसी भी शनिवार, अष्टमी या अमावस्या के दिन से शुरू कर सकते हैं। अब जानते हैं इस साधना के कुछ नियम के बारे में। अपनी पूरी श्रद्धा बनाए रखें। इस मंत्र को गृह सन्यासी कोई भी जप कर सकता है। इस अभ्यास में दीक्षा की जरूरत इसलिए नहीं होती क्योंकि आप अपने अपने आगे चक्र पर ध्यान देकर मंत्र जपते हैं। इस मंत्र से शरीर में अत्यधिक गर्मी पैदा होती है, इसलिए ढीले ढाले वस्त्र पहनकर अभ्यास करें। महिलाओं को सम्मान दें। पति पत्नी अगर इस मंत्र का अभ्यास करें तो 10 गुना ज़्यादा लाभ मिलता है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, बेरोजगार हैं या आप विद्यार्थी हैं, गृहिणी हैं, तो इस मंत्र को पूरी दिशा की तरफ मुँह करके जपें। अगर आप व्यापार कर रहे हैं या कला के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुँह करके जपें। अगर आप लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट से जुड़े हैं या बैंकिंग क्षेत्र, मेडिकल क्षेत्र, होटल के व्यवसाय के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके जपें। अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य, कोयला, लोहा, चमड़ा तथा तेल के क्षेत्र में हैं या कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें आपको ब्रोकरेज देना पड़े या लेना पड़े, यानी दलाली लेनी पड़े या देनी पड़े, तो इस मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके जपें। इस मंत्र का जप 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। याद रखें, जब भी आप कोई अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं या संकल्प करते हैं तुरंत कोई ना कोई अड़चने आनी शुरू हो जाती है, इसलिए प्रबल संकल्प के साथ अभ्यास करें। इस मंत्र का जाप सूर्यास्त के बाद करें तो लाभ ज़्यादा मिलेगा। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन, मांसाहार से बचें। ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करें। मासिक धर्म की समस्या में महिलाएं 3 से 5 दिन का गैप करके फिर आगे कंटिन्यू कर सकती हैं। इस अभ्यास को किसी भी शांत कमरे में कर सकते हैं। अभ्यास समाप्त होने के बाद अश्विन या वज्रोली मुद्रा अवश्य अपनाएं। यह मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है। अश्विनी या वज्रोली मुद्रा क्या है यह जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।